सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। ये स्कूल में यूनिफॉर्म के हिसाब से आना, ये हिजामा विजामा यहाँ नहीं चलते। क्यों क्यों नहीं चलती, क्यों बराबर पहन को आती बच्चे हमारे? नहीं बोले तो यहाँ पे नारे दंगे फसादा हो जाते, देखो समझा दे रहा हूँ। जय श्री राम, अल्लाह अकबर, जय श्री राम, अल्लाह अकबर। अरे रे 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 रे, क्या परेशानी है भैया? हाँ, हिंदू मुस्लिम का इशू लेके आ रहे तुम लोग। अरे असली इशूओं से अपन लोग डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, इसकी वजह से महंगाई बढ़ जा रही, इकोनॉमी गिर जा रही, चीजें बिक जा रहे। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तुम लोग रिलीजियस सिंबल कई को ला रहे भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये सिर्फ और सिर्फ ये मुसलमानों की गलती है। इल्ला को बैठे बैठे हिजाब कहां से सुधरा? ये इल्ला की साजिश है। अरे स्कूल में कौन तभी हिजाब पहन के आते? यूनिफॉर्म नाम की भी कोई चीज रहती? गलती दोनों की है, स्कूल कॉलेज पढ़ने की जगह है, मजहब फॉलो करने की जगह नहीं होती। बा, क्या भारी डिस्कशन कर रहे थे तुम लोग। देखो दीपक साहब, दुपट्टा ऑलरेडी यूनिफॉर्म का हिस्सा है। अब उसको थोड़े लोग गले में पहन रही, थोड़े लोग उसको सिर पर ओढ़ रही, तो इससे प्रॉब्लम क्या है भाई? दुपट्टा तो यूनिफॉर्म का हिस्सा है, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब भी लोग अपने अपने मजहब की आराम से आज़ादी से प्रैक्टिस कर सकते। अब मुसलमान बच्चा हिजाब पहन रहे तो क्यों प्रॉब्लम हो रहा भाई? हाँ, हिजाब हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का अहम हिस्सा है। हाँ, अब मुस्लिम बच्चा हिजाब करना चाह रही और उससे किसे भी क्या भी नुकसान नहीं हो रहे, तो तुम ना क्या हो रहे? प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम स्कूलों में कॉलेजों में रिलीजियस सिंबल लाने की है भाई, उसकी क्या जरूरत है भाई? बेटा दीपक, हर सेकुलर इंस्टीट्यूट में जो है तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मेजॉरिटी के लोग क्या करती? तिलक लगा को रहती, बिंदी लगा को रहती, मंगलसूत्र पहनती, सिंदूर पहनती, पगड़ी लगा को रहती। हाँ, उससे क्या भी नहीं होता है। वेट, अगर मुसलमान बच्चा हिजाब पहन लो कहे तो उससे प्रॉब्लम होती है। व्हाट इज दिस? दिस इज हिपोक्रेसी आर नॉट? लेकिन मस्तान चिच्चा, लेकिन वेकिन क्या बेटा, लेकिन वेकिन क्या? मस्तान चिच्चा, मैं पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, गलती दोनों तरफ के लोगों की है। पढ़ने की जगह पे ना भगवा गमछा एक्सेप्टेबल है, ना हिजाब यूनिफॉर्म इज पहनना। बेटे मोहन, मोहन बेटे, बात फिर से यूनिफॉर्म की कर रहे तुम। बेटे बात कभी यूनिफॉर्म की ठीक नहीं। अगर बात यूनिफॉर्म की रहती तो स्कूल में कॉलेज में मुसलमान औरतों को, मुसलमान टीचरों को क्यों हिजाब उतारो वर्ल्ड का पीछा पकड़ी? हर वो बोरनी भी कौन देखो, उनके संगठित काम करने वाले लोग जो उन्होंने खुद बिंदी लगा को है, तिलक लगा को है, मंगलसूत्र पहन को है, सिंदूर लगा को है। हाँ, व्हाट इज दिस? ऐसा कैसा बोल सकते भाई? दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। खुद कर रही, दूसरों को करने नहीं दे रही। हाउ टू हाउ, ऊपर से क्या बोल रही? जब तलक जज साहब का फैसला नहीं आता है तब तलक बच्चा हिजाब पहन को स्कूल को कॉलेज को नहीं जाना बोले। व्हाट इज दिस? ऐसा कैसा होता है भाई? हाँ, तुम्हें चार दिन तलक मजहब फॉलो करो बोल रही, चार दिन तक नको करो बोल रही, ऐसा नहीं होता है। कर रही तो पूरे कुछ फॉलो करना, समझी तुम्हें? ऐसा नहीं होता है, हम सुनते भी नहीं। सुनना पड़ता। हिंदुस्तान में जैसा त्रिबुल तलाक को बैन करे, वैसे हिजाब को भी बैन करना पड़ता। ये त्रिबुल तलाक और हिजाब के नाम पे मुसलमान बच्चियों को दबा दे रहे हैं। या ऑफ कोर्स, सही बात है भाई, मुसलमान कम्युनिटी में औरतों को दबाया जाता। मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ कि मुसलमान कम्युनिटी में औरतों को कैसा दबाती? तुम्हें बोलना क्या चाह रही? खुल को बोलो, डरो नको, समझी? अरे मुसलमान बच्चा सर पे कपड़े का टुकड़ा क्या उड़ ली, तमाशा बना डाली। मस्तान चिच्चा, बात कपड़े के टुकड़े की नहीं है, जबरन थोपने की है। मुसलमानों में छोटे बच्चियों को भी जबरदस्ती बुरखा पहनाते, वैसी उनकी कंडीशनिंग होती। उन लोगों को दिखता वो उनकी मर्जी से पहन रहे बच्चियां बोल के, मगर मर्जी से नहीं पहनते, उन लोग जबरदस्ती थोपते उन लोगों को। जबरदस्ती पहन रही हो क्या? पागल बाजा कर रहे जी, नहीं मालूम सपाटा, नहीं बोलना। मेरी बेटी मुस्कान, उन्हें उसकी मर्जी से पहनती बुरखा, हम ही कभी जबरदस्ती नहीं करे, उन्हें उसकी मर्जी से पहनती। ये इस तो कंडीशनिंग है, ऐसी तो ब्रेन वॉश करते तुम लोग। अच्छी बात है बेटा मोहन, अच्छी बात है बेटा मोहन। मैं एक बात पूछ रहा बेटा, हाँ दिल पर लेना, सही सही बोल रहा हूँ। तू ये बट्टू कब से लगा रहा है? बचपन से लगा रहा हूँ। अच्छी बात है बेटा, बचपन से लगा रहा है ना, अच्छी बात है। और बेटा दीपक, तू ये गले में गमछा कब से पहन रहा है और ये तिलक कब से लगा रहा है? बचपन से। बहुत भारी, तू ब्राह्मण तो मतलब तू वेजिटेरियन, तू गोश्त घीस नहीं खाता। और बेटा मोहन, तू वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? मेरी वेजिटेरियन फैमिली है। फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, तू क्या है? मैं भी वेजिटेरियन हूँ। कट्टा झूठा है रे, अभी मेरे संगत पीछे चिकन पफ खाया तो रे। ओ,
अब मालूम हो गया तो बोलता हूँ। सुनो, हमारे घर वाले प्योर वेजिटेरियन है मस्तान चिचा, मगर हैदराबाद आए जब से कभी कभी मैं खाना चालू करा। वाह 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 वाह, बहुत भारी रे, बहुत भारी बेटा मोहन, बहुत भाई। हाँ, तेरे अम्मा बाबा तुझे बचपन से नाज व इसके गोश्त के खून से दूर रखी। वो उनकी परवरिश का तरीका था, वो उनकी कंडीशनिंग थी। हाँ, तो क्या नो गलत करी? हाँ, टेको ऐसा पाल पोस को ऐसा गलत करी क्या? नहीं, उन्होंने उनकी जगह सही है, समझा तू? मगर अब उनको मालूम हुआ कि तू गोश घीस खाना शुरू कर गया बोल को, तो उन्होंने तेरे को मार दी, उन्होंने तेरे झगड़ा कर दी, तो क्या तू भी उनको पलटा को मारता है? तो क्या तू भी उनसे झगड़ा करता है? नहीं तो मैं कहीं को लड़ता हूँ? उन लोगों का सही है उन लोगों की जगह पे। मैं भी तुझे ये बोलना चाह रहा था, एज अ पेरेंट मैं मेरे बच्चियाँ को हिजाब की तालीम दिया, उन्होंने उनकी मर्जी से हिजाब करती, भाई कौन भी जोर जबरदस्ती नहीं करते, उनकी मर्जी से करती, एज अ पेरेंट मैं उनको करा जैसे पेरेंट्स तेरे तेरे को करे। और बेटा दीपक एक बार बोल तो बेटा, दिल पो नहीं लेना देख, तू तेरे मर्जी से वेजिटेरियन नहीं बनिया, दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर चॉइस। वो कैसा जी? वो कैसा करतो, तेको बचपन से वेजिटेरियन खाना खिलाई, इसके वास्ते तू वेजिटेरियन बन को गए? नो, दैट्स माय चॉइस। वो तो आप बनिया ना बेटा, अब तू तेरी मर्जी से बनिया, तू को अकल है ये समझे हाँ मैं वेजिटेरियन हूँ बोलकर तू वेजिटेरियन बनिया, नहीं तो हर तू बचपन से तुझे मालूम ही नहीं था। बट आई रेस्पेक्ट दैट बेटा, आई रेस्पेक्ट दैट, मैं हर मजहब की इज्जत कर दूँ, मगर ये समझाना चाह रहा हूँ तुम दोनों को, हर घर की, हर फैमिली की, हर मजहब की अपनी अपनी वैल्यूज रहती है। जैसा हमारे बड़े हमा को सिखाई, हम वही चीज़ें हमारे बच्चों को सिखाती। जैसा तुम्हारे घर में तुमका वेजिटेरियन खाना बोल को सिखाई, वैसी तुमना तिलक लगाना सिखाई, वैसी हमें भी हमारे बच्चियों को हिजाब की तालीम देती, हिजाब पहनना सिखाती। मस्तान चिचा, आप दो अलग अलग चीजों को एक साथ मिला रहे। हिजाब इज अ क्लियरली साइन ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन 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 कैसा जी बेटा, बोल ऑपरेशन कैसा? बोल ऑपरेशन ऐसे के आज के जमाने में भी बच्ची अपनी सूरत छुपा के चल रही। मर्द आदमी को जैसी आजादी है, औरत को भी वैसी रहना, इक्वालिटी रहना दोनों में, क्या बोलते दीपक भाई? हाँ सही बोल रहा तू। तुम्हें क्या बोलना चाह रही के हम ही औरतों को हिजाब में रखकर उनके आजादी छीन ले रही है? यस एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। अच्छा, तो तुम ये बोलना चाह रही कि लड़कियां का पावर उनका जिस्म दिखाने में है? हाँ, ये क्या बात हुई जी वाह। हर चाहे लड़कियां कितना भी एजुकेशनली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली कितना भी स्ट्रांग हंडो, या इंटेलेक्चुअली साइंटिफिकली कितना भी एडवांस हंडो, उससे क्या भी नहीं होता, मगर उनका पावर उनके जिस्म से चिपके हुआ है, जुड़े हुआ है, उसमें है नहीं? क्या बात करते जी? मेरा मतलब वो नहीं था मस्तान चिचा। बेटा जो तू बोलिया वही मतलब है जो मैं बोलिया, समझ रहे? तू अपने आप को बहुत बड़ा सोशल एक्टिविस्ट बोलता है, इक्वालिटी की बात करता है, औरतों को सपोर्ट करने की बात करता है, फेमिनिस्ट के जैसा बात करता है, मगर बेटा तेरी सोच औरतों को लेकर लच्चर पुट्टर से भी गिरी हुई है। मस्तान जी चाह पर्सनल हो जा रहे आप। मैं क्या भी पर्सनल ले हूँ बेटा, जो तू हरकटा कर रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। हाँ, तू परसों ट्विटर पर क्या लिखा? हाँ, मुसलमानों को तू ट्विटर पर गिनता है, जो दिल को आया सो लिखता है, ऐसा कैसा बेटा? इतनी आज़ादी कौन दी थी? मस्तान जी चाह ट्विटर पर मैं कुछ भी नहीं लिखा, मैं उल्टा पूछ रहा हूँ हिंदू मुस्लिम का कई कोई इश्यू बना रहे तुम ना बोल के। जब वो पूरे पोटे, वो वीडियो देखे आप? वो वीडियो देखे, देखिए वायरल हुआ सो, देखिए जब पूरे पोटे जय श्री राम बोल के जब जा रहे थे, वो बच्ची जय हिंद बोलना था, अल्लाह अकबर कई बोली हुई, इनकलाब जिंदाबाद बोलना था, जय संविधान बोलना था, जय भीम बोलना था। अच्छी बात करे बेटा तू, मगर एक बात बोलते थे याद रख, जब गांधी जी को आतंकवादी गोली मारा तो गांधी जी जय हिंद जय संविधान नहीं बोले, हे राम बोल को मर गए। आफ्टर ऑल उन्हों फादर ऑफ नेशन थे, उन्हों बोलना था फिर उन्हों भी नहीं बोले तो? देख बेटा एक बात बोल तू, हर इंसान के अपनी फैमिली की वैल्यू सेटी, जैसा उनको बचपन में उनको अम्मा बाबा उनको सिखाते उन्हों वैसे ही सेटी, वैसे भाई हम हमारे बच्चों को जो हिजाब की तालीम देती उन्हों हिजाब कर रही, तो तुम ना क्या उल्टी प्रॉब्लम हो रही है भाई? क्या मसला क्या है? वो बच्ची मुस्कान जब उसको जो झुंड में आके पुट्टे डराने की कोशिश करे तो उसके अम्मा बाबा जो उसको परवरिश दिए वही उसके मुंह से निकला, इसके वास्ते ने अल्लाह अकबर बोली, क्यों बोलते? उसके घर वाले उसको वो तालीम दिए थे भाई, अब क्या मुसलमान को अपनी देशभक्ति साबित करने के वास्ते मच्छर काटने पे भी जय हिंद बोलना पड़ेगा क्या? हाँ, ये कोई बात हुई? जब हिजाब इतना इम्पोर्टेंट और इतना अच्छा है
तो कई मुस्लिम कंट्रियों में हिजाब बैन हुए ना, कई को लगा मुसलमाना नहीं है क्या चिच्चा। इंडोनेशिया से कुछ ले लो, सबसे ज्यादा दुनिया में इंडोनेशिया में मुसलमाना है, फिर भी हिजाब बैन हुआ ना चिच्चा वहां। देख बेटा दीपक, तू तेरे हंकियां खोल जरा, ये व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से बाहर आ, कुएं का मेंढक नको बन। इंडोनेशिया में क्या है, वहां की हुकूमत हिजाब को ऑप्शनल बनाई है, मतलब तुम्हें पहनना चाह रही तो पहनो, नहीं पहनना चाह रही तो नको पहनो, भाई जोर जबरदस्ती नहीं है। वहां की हुकूमत दूसरे मजहब के लोगों को जोर जबरदस्ती नहीं करना चाह रही, इसके वास्ते इसको ऑप्शनल रखिए। मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो जबरदस्ती कर रही, यहाँ पो स्कूल को बुरखा पहन को गए, हिजाब पहन के गए तो हकार रही, निकाल रही। व्हाट इज दिस, दिस इज हिपोक्रेसी, दिस इज पार्शियलिटी, वैसा नहीं करना बेटा। सबर सबर सबर, सांस लो थोड़ा दीपक भाई, ये पूरे इलेक्शन के चौंचले है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हिंदुओं को ना मुसलमान से प्रॉब्लम है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से प्रॉब्लम है, मगर पूरों से पॉलिटिशियन को प्रॉब्लम है। तुम लोग मिलके रहे तो उन लोग इलेक्शन कैसा लड़ेंगे, इलेक्शन नहीं लड़े तो उन लोगों को कुर्सी कैसा मिलेंगी, समझ में आ रहा? तो ये पूरे इलेक्शन के गेम है। देख बेटा, ये तेरे वास्ते इलेक्शन का सर्कस होगा कि आज कोई जीतेगा तो कल कोई और जीतेगा, लेकिन हिंदुस्तान को बहुत खतरनाक तरीके से पोलराइज कर रहे, गंदा कर रहे, बर्बाद कर रहे, हाउ टू हाउ मुसलमानों को एलिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर जुल्म कर रहे हैं। ये हमारे अस्तित्व का सवाल है, ये हमारी मौजूदगी का सवाल है, ये हमारे जमीर का सवाल है, हमारे देशभक्ति का सवाल है। आज बात हिजाब को ये, कल कॉन्स्टिट्यूट दूसरी बात पार्टी है। हम आपको हमेशा बोलती लिंचिंग को बात नको करो, नहीं तो कम्युनल ताकतों को फायदा होता है। सुल्ली डील्स पे बात नको करो, नहीं तो कम्युनल ताकतों को फायदा होता है। लव जिहाद की गलत फहमी को दूर नको करो, नहीं तो कम्युनल ताकतों को फायदा होता है। हम ही बोलती, हम ही बराबर बोलती, और मैं तो बोलती सब भी लोग उठ को आना, यूनिटी में आको, सब भी लोग बोलना बिना सोचे बिना डरे। क्यों कटो, हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान गंगा जमुना की तहजीब है, सभी लोग मिलकर रहना। ये पुलिस स्टेशन चुप हुजूम मचा कर सबको परेशान करके रखी। बस मैं बोलना चाह रहा हूँ, सबको अपने अपने मजहब की प्रैक्टिस करने की पूरी इजाजत रहना भाई, बिकॉज इट इज ए फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, बस इट टाइट बस। और क्या अभी नहीं बोला है।